दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा सवाल होता है कि सर हम नहीं चाहते, हम नहीं सोचते, फिर भी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं और एक नेगेटिव विचार आने के बाद इन विचारों का प्रवाह बनता रहता है, बार बार विचार आते हैं और जिस काम को लेकर हम नेगेटिव विचार शुरू होते हैं उसके बाद इतने नेगेटिव विचार आते हैं, इतनी पिक्चर बन जाती है, स्टोरी बन जाती है कि हमारा सर दर्द होने लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मन खराब हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है और अंत के अंदर मन उदास होकर हम बैठ जाते हैं और उस काम को कर ही नहीं पाते। तो आखिर हमारे ब्रेन के अंदर ये नेगेटिव विचार बनते कैसे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव विचार आखिर बनते कैसे हैं और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि इन नेगेटिव विचारों को हम रोके कैसे जिससे हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा हो, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि नेगेटिव विचार आखिर बनते कैसे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार दो कारणों की वजह से बनते हैं। दोस्तों पहला कारण है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल के ऊपर। हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इन तीनों की कमी की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं। इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है हमारे ब्रेन के पैटर्न। दोस्तों हम किसी भी घटना को लेके, किसी भी इंसिडेंट्स को लेके, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम हमारे दिमाग के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न रखते हैं। इसको हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी घटना को किस तरह से देखते हैं। हर एक इंसान को किसी भी घटना को देखने का एक अपना नजरिया होता है और वो नजरिया ही उसका एक पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न ही नेगेटिव विचारों के लिए जिम्मेदार है। जितने भी रिसर्चेज हुई है, जितने भी स्टडी है, जितनी भी साइंस है, वो ये कहती है कि हर इंसान दुनिया के अंदर, हर इंसान अपनी एक घटना को देखने का उसका एक पर्टिकुलर नज़रिया है और वो नज़रिया जिसे हम परसेप्शन कह सकते हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस के चलते कॉग्निटिव एरर डेवलप होती है और वही कॉग्निटिव एरर ही जिम्मेदार है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन में नेगेटिव विचारों के प्रोडक्शन के लिए। इसको समझने के लिए हम चलते हैं आगे वीडियो के अंदर कि कॉग्निटिव एरर होता क्या है। दोस्तों कॉग्निटिव एरर होता है, हर इंसान का एक पर्टिकुलर परसेप्शन होता है किसी भी घटना को देखने का। परसेप्शन ही हमारे विचार बनाता है और विचारों से हमारे इमोशंस बनते हैं, इमोशंस से हमारी फीलिंग बनती है और फीलिंग से हमारा व्यवहार बनता है। यहाँ इस प्रोसेस के अंदर, इस परसेप्शन के अंदर गड़बड़ी को हम कॉग्निटिव एरर कहते हैं। कॉग्निटिव एरर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, कॉलेजिट है, कॉलेज में अच्छा पढ़ रहा है, एक कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने के लिए वह लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरी जाते वक्त उसका मन बहुत शांत रहता है, अच्छा रहता है। वो ये सोच के जाता है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा लाइब्रेरी में जाके, लेकिन उसमें कॉग्निटिव एरर नाम की एक प्रॉब्लम है। अब इसको समझिए कि जैसे ही वो लाइब्रेरी में जाके बैठता है, अपनी टेबल चेयर के ऊपर बैठता है, तो थोड़ी दूर उसको अपना एक बेस्ट फ्रेंड नजर आता है। वो बेस्ट फ्रेंड किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, ये उसको स्माइल करके हाय करता है, लेकिन किसी कारण से वह अपनी द्वंद में रहता है उसका बेस्ट फ्रेंड, तो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, उसको हाय का जवाब हाय से नहीं दे पाता है। तो अब यहाँ से इसका कॉग्निटिव एरर इसके दिमाग में बहुत सारे विचार पैदा करता है, नेगेटिव विचार पैदा करता है। जो स्टूडेंट थोड़े समय पहले अच्छे मन के साथ वहाँ पढ़ने आया था लाइब्रेरी में, एक अपने दोस्त के रिस्पॉन्स ना देने की वजह से उसके मन में ख्याल आता है कि यार ये जो मेरा दोस्त है ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है। फिर उसके थोड़ी देर बाद में दूसरा उसके माइंड में नेगेटिव विचार आता है, अच्छा ये तो पहले से ही पसंद नहीं करता था, मैं ही पागल हूँ जो इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे चाहता है कि मैं पढ़ के पास ना हो, मैं इससे अच्छे मार्क्स ना लेके आऊँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन जो नेगेटिव जो विचार है वो इस तरह से प्रबल होते जाते हैं। उसके बाद में ये सोचने लग जाता है बैठे बैठे कि मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरी तो लाइफ बेकार है, इस तरह से मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं नौकरी नहीं लग पाऊंगा, मेरी फिर शादी नहीं होगी, फिर घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मैं तो बुढ़ापे में भी अकेला रहूंगा, मेरी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी और इस ऐसे जीवन से क्या अच्छा है, ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना चाहिए। तो ऐसे नेगेटिव विचारों का एक कॉन्सिक्वेंस स्टार्ट होता है और एक प्रवाह बनता रहता है, एक स्टोरी बना लेता है।
एक्चुअल में दोस्तों इसी को कॉग्निटिव एरर कहते हैं। माइंड के अंदर हमारे परसेप्शन के अंदर गड़बड़ हो जाना ही कॉग्निटिव एरर है। कॉग्निटिव एरर के चलते बिना बात के ही वह नेगेटिव विचार डेवलप करता है और एक अपने आप स्टोरी बनाता है, स्टोरी बना के, और वो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक गृहिणी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज उसके घर में सारे मेहमान आए हुए थे, उसने बहुत मेहनत करके बहुत तरह तरह के पकवान बनाए। जब टेबल के ऊपर सर्व कर दिया, सब लोग खाना खा रहे थे, तो एक रिश्तेदार ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी चपाती बनाई है आपने। दूसरे ने थैंक्स कहा कि आपने एक सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन तीसरे मेहमान ने ये कह दिया कि दाल के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अब एक जब भी इंसान की कॉग्निटिव एरर में प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को पकड़ता है। एक छोटे से पॉइंट को उसने पकड़ा, उस गृहिणी ने सोचा कि ये लो दाल में नमक खराब हो गया, इसका मतलब ये तो बेकार हो गया, अब हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे से ऐसी गलती क्यों होती है, मैं हमेशा ही गलती करती हूँ, मैं तो हुई ऐसी, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं किसी का दिल जीत नहीं सकती, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी, मेरी तो लाइफ ही खराब है, अब मुझे पता नहीं घर वाले मुझे क्या कहेंगे, मुझे कुछ बुरा कहेंगे, मुझे घर से निकाल दें। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव विचार उसके माइंड के अंदर आते हैं जिसके चलते वह परेशान हो जाती है। तो दोस्तों नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो हमारे कॉग्निशन के अंदर जो एरर डेवलप होती है जिसे कॉग्निटिव एरर कहते हैं, और वो हमारे परसेप्शन में डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, हमारी सोच की वजह से होती है, और इसके चलते ये जो नेगेटिव विचार आते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे और ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। नेगेटिव विचार रुकते यहीं तक नहीं है, नेगेटिव विचार बार बार आने से हमारे ब्रेन के अंदर एक से टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा सरदर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मन उदास हो जाता है, काम करने का मन नहीं रहता, तो हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी रुक जाती है और यहीं पर सारी चीज़ों पर स्टॉपेज लग जाता है। कुछ लोग सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सारे कंसिक्वेंस डेवलप होते हैं। अब वीडियो का दूसरा पार्ट कि हमारे ब्रेन के अंदर ये जो नेगेटिव विचार है वो आए ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, नेगेटिव विचारों के दो कारण होते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे, एक होता है कॉग्निटिव एरर, हमारे परसेप्शन, हमारे देखने का नज़रिए के ऊपर। जब न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम मेडिसिन के थ्रू ही दूर कर सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे कोई एक इंसान है, उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हमें विटामिन डी की टैबलेट देनी पड़ेगी। साथ में उनको ये कहेंगे कि आप थोड़ा धूप में जाके एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। सेम वैसे ही हमें हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मेडिसिन के साथ साथ हमें योग, प्राणायाम और हमें वॉक हमारे करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और हमें जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। दूसरा जो साइकोलॉजिकल व्यू है कॉग्निटिव एरर को कैसे ठीक किया जाए, दोस्तों नेगेटिव विचार आने का सबसे बड़ा कारण होता है कॉग्निटिव एरर, और कॉग्निटिव एरर को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले नेगेटिव विचारों को पहचाने। हम अक्सर नेगेटिव विचारों को पहचान नहीं पाते हैं। सपोज करें कि कोई इंसान थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था और फिर उसके एक नेगेटिव विचार आया और उसके बाद में उदास हो गया। हम नेगेटिव विचारों को नहीं पहचान पाते, लेकिन हम इमोशंस को इजीली पहचान पाते हैं। हम किसी भी उदास इंसान को देख के ये कह सकते हैं कि ये इंसान तो उदास है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, नेगेटिव विचार क्या है, इस पर्सन को भी नहीं पता होता है कि मैं उदास क्यों हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम नेगेटिव विचारों को पहचाने। नेगेटिव विचारों को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसान थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था अब वो उदास हो गया, तो वह एनालिसिस करे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह एनालिसिस करे कि मेरा मूड थोड़ी देर पहले ठीक था, अभी मेरा मूड अभी ख़राब क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो उसको एनालिसिस करने पे ध्यान आएगा कि उसके माइंड में एक नेगेटिव विचार आया है, और वो नेगेटिव विचार को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब अगर आप अपने नेगेटिव विचारों को आइडेंटिफाई करने लग जाते हो तो ऐसे समझो कि आप ट्रीटमेंट का आधा पार्ट कवर कर लेते हो। नेक्स्ट जो पार्ट होता है ट्रीटमेंट का वो ये होता है कि नेगेटिव विचारों को काउंटर करें और उसके बाद उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव के साथ में। काउंटर का मतलब होता है कि जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव विचार है, चलो हम उस स्टूडेंट पे चलते हैं कि जो स्टूडेंट पहले बिल्कुल ठीक मन था, लाइब्रेरी जाने से पहले उसका मन ठीक था, लेकिन जैसे ही उसको
उसका साथी है वो हाई का जवाब नहीं दिया तो उसका मूड खराब हो गया और वहीं से नेगेटिव विचार आया। तो अब इस स्टूडेंट को एनालिसिस करना चाहिए और साथ में काउंटर करना चाहिए कि कैसे मेरा दिमाग पहले ठीक था, किस वजह से ये खराब हुआ। तो उसको ध्यान में आएगा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी वजह से मेरा दिमाग सारा डिस्टर्ब हुआ है, खराब हुआ है, डिप्रेस हुआ है, नेगेटिव विचार आए। तो अब उसे काउंटर करना चाहिए अपने आप से सवाल पूछ के कि क्या मेरा एक दोस्त अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या मुझे इतना परेशान हो जाना चाहिए, क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे इतना सारा नेगेटिव सोचना चाहिए। पहला सवाल जब ये सोचेगा तो आंसर आएगा कि नहीं, एक दोस्त के रिस्पॉन्स ना देने से मैं मेरी पढ़ाई क्यों खराब कर रहा हूँ, दोबारा दे देगा रिस्पॉन्स, मैं उसके चल के बात कर लेता हूँ। दूसरा सवाल ये अपने आप से करें कि क्या मेरा दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके कोई अल्टरनेट रीजन हो सकता है, एक मुझे परेशान करने या मुझे नीचा दिखाने के अलावा भी कोई और रीजन हो सकते हैं। तो जवाब आएगा कि दोस्त भी तो परेशान हो सकता है, किसी चीज में खोया हुआ हो सकता है, किसी चीज को मनन कर रहा हो, उसने ध्यान ही नहीं दिया हो कि मैं आया हूं। इसके अलावा भी लाइफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने कॉग्निशन लेवल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं अपने आप से और फिर उसका जवाब ले सकते हैं, और जो अपने नेगेटिव थॉट आपने माइंड में क्रिएट किया है उसको एक पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों वह स्टूडेंट सोच सकता है कि मैं, मेरा जो दोस्त जो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया है वो यूं ही है, उसको लिंगर ऑन कर सकता है। वो ये सोच सकता है कि इसके भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर सोच सकता है कि ये किसी चीज़ में खोया हुआ हो, या फिर ये सोच सकता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आगे चल के बात कर लूँगा, या ये मुझे अवॉइड कर रहा है तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह से जब आप अपने नेगेटिव विचारों के कारण को जान जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे और उनका एनालिसिस करने लग जाएंगे तो आपके ब्रेन के अंदर ये कॉग्निटिव एरर खत्म हो जाएगी। दोस्तों कॉग्निटिव एरर तब बनती है जब हम एक नेगेटिव विचार को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करते जाते हैं, उसी प्रवाह में बहते जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे नेगेटिव विचार बनते हैं। नेगेटिव विचार को रोकने के लिए आप सबसे पहले उस आइडेंटिफाई करें, फिर एनालिसिस करें और उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।